हाय एवरीवन, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लेटे लेटे ही कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारी बॉडी फिट हो जाए? जो लोगों की एक्सरसाइजेस करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आई हूँ। जब आप बेड पे आराम से लेटे हुए हैं तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। और मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जो आप लेटे लेटे कर सकते हैं। और आई कैन श्योर यू, अगर आप बेड पे लेटे लेटे ये एक्सरसाइजेस करोगे तो उसके बाद फिर आपका और वर्कआउट करने का मन जरूर करेगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइजेस के शुरू में हम अपनी लेग्स को रिलैक्स करेंगे जो सोने से टेंस हो जाती हैं। उसके बाद नी को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे, अनदर नी सेम वे। उसके बाद दोनों नीज को पकड़ते हुए चेस्ट के साथ मिलाते हुए आर्म बैक मसल्स को रिलैक्स करेंगे, लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद एक लेग को बिल्कुल टाइट ऊपर उठाएंगे, ब्रीद इन लेग अप, ब्रीद आउट लेग डाउन। उसके बाद सेम वे में आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीद इन आर्म्स अप, ब्रीद आउट आर्म्स डाउन। अगेन बाहर की ओर आर्म्स को लेके जाएंगे और बॉडी की तरफ लेके आएंगे, ब्रीद इन एंड। इस एक्सरसाइज में हम अपने नीज और बैक मसल्स को रिलैक्स करेंगे, एक नी को दूसरे पाँव के ऊपर टच करने की कोशिश करेंगे, लेग्स को सीधा रखेंगे। उसके बाद हम अब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, अपनी हथेलियों को पेट के ऊपर रखेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए पेट की मूवमेंट को हाथों से फील करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने एक हथेली को दूसरी हथेली पे टच करने की कोशिश करेंगे, ब्रीद आउट करके हाथ नीचे, ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर। ये अपर बैक मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद हम अपनी लेग्स की और लोअर अब्डोमेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीद इन करके लेग स्ट्रेट, ब्रीद आउट लेग्स फोल्ड। उसके बाद हम अब तान आसन करेंगे, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, हाथों को इंटरलॉक किया, ब्रीद इन किया, बॉडी को ऊपर की ओर खींचा, ब्रीद आउट वापस हथेलियां पेट के ऊपर। उसके बाद मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, लेफ्ट नासिका से सांस लेना, राइट नासिका से छोड़ना, राइट नासिका से लेकर लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ देना, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग विच इज गुड फॉर हार्ट। नेक्स्ट हम साइकिलिंग कर रहे हैं जो हमारे लोअर अब्डोमन और नीज की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साइकिलिंग करने के बाद हम आर्म्स और लेग्स की फिर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों हाथों को दोनों पाओ को आपस में टच करने की कोशिश करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उसके बाद फिर से हम जो है अब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, सांसों पे ध्यान करेंगे और लास्ट में हम दाया करवट नीचे रखते हुए। आई होप आज के बाद आप जब भी सो के उठेंगे इन एक्सरसाइजेस के बिना आप बेड से पैर नीचे नहीं रखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।